स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार यस रियल ब्लॉग में। आज दोस्तों हम ये देखिए हमारे साथी और हम लोग जा रहे हैं बुंखाल मेले में हैं। जी हाँ, आज है 2 दिसंबर और आज है बुंखाल मेला, जो कि राठ क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मेला है। ये मेरे स्टूडेंट हैं कुछ और हम पैठाणी के पास पहुँच चुके हैं। दोस्तों ये मेला पहाड़ों में होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। लाखों की संख्या में यहाँ हर साल श्रद्धालु आते हैं। जी हाँ, पैठाणी का तीरा है, हम पुल से होकर जाएंगे ये रोड आगे पाबो के लिए और इधर त्रिपाली शैंड के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। वन वे कर रखा है प्रशासन ने, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम चुठाणी के रास्ते होकर जाएंगे और दूसरा जो मलुंड है उसके रास्ते वापस आएंगे। ये है दोस्तों चुठाणी गाँव, ये पहली बार देखा, बड़ा शानदार गेट बना हुआ है, बहुत अच्छे भवन है और ये आगे गाड़ियों का पूरा जत्था जा रहा है। ऊपर इसमें एक डोली रखी हुई है देवी माता की। बुंखाल में कालिंका माँ का मंदिर है और इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है दोस्तों। पहले यहाँ झोटे बागी जो है उनकी बलि दी जाती थी, लेकिन अब देव डोलियाँ चढ़ती हैं और वे लोग देव डोलियाँ चढ़ाते हैं जिन्होंने कुछ मन्नत मांगी होगी माँ से, और उनकी मन्नतें जब पूर्ण हो जाती हैं तो वो अब देव डोलियाँ चढ़ाते हैं। दोस्तों ये एक डोली देखिए, माँ की भक्ति में लीन और मदमस्त हैं। और देखिए एक और डोली दोस्तों, हम उस जगह से काफी आगे आ गए हैं दोस्तों जहाँ गाड़ी पार्क करनी थी, लेकिन देखिए कई किलोमीटर आगे तक पार्क करने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मुझे और आगे जाना पड़ेगा। देखिए कितनी भीड़ है और यहाँ नीचे से एक और देव डोली आती हुई। जहाँ जहाँ दोस्तों देवी माँ के मंदिर है वहाँ सती माता के अंश गिरे थे, ये इतिहास कहता है, ग्रंथ कहते हैं। लेकिन प्रत्येक मंदिर से जुड़ी हुई एक कहानी है। जी हाँ, इस मंदिर से भी जुड़ी हुई है, बताते हैं आपको। मलुन गांव की एक बच्ची जो गाय बच्चियों के साथ आई थी, दोस्तों के साथ छोटे बच्चों ने गड्ढा खोदा और खेल खेल में उसको बंद कर दिया और अपने आप उसको भूलकर घर चले गए। हम मंदिर के पास पहुंच गए दोस्तों। ये मुख्य मंदिर नहीं है, मेला स्थल थोड़ा ऊपर है और काली माँ का खपर होता है, मंदिर उफ्रई देवी का होता है। मंदिर में भीड़ आता घुस बहुत भीड़ लगी हुई है। ये भेड़ लगाते हैं पदम सर, ये देखे आ गए, धक्का मुक्की कर पाएंगे। बहुत भीड़ है दोस्तों, बहुत ज्यादा। किसी प्रकार से भेड़ लगा दी दोस्तों, अब ऊपर चलते हैं जरा। भीड़ बहुत है दोस्तों और गलियां तंग है तो चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों उधर कितनी भीड़ है, ऊपर नीचे मंदिर में।
ये देखिए रास्ते में बहुत भीड़ है दोस्तों, आगे बढ़ते जाते हैं और आपको कहानी सुनाते हैं। वो कन्या जिसको उन बच्चों ने वहां पर दबा दिया था, अब उसका क्या हुआ शायद आप जान सकते हैं, लेकिन बाद में वो अपने जो घर वाले होंगे उनके सपनों में आई कि मुझे वहां से बाहर मत निकालना, वहीं रहने देना और कालिंका माता के रूप में वहां उस स्थल पर पूजा अर्चना करना। तेरी कितनी गाड़ियां हैं। गोरखा आक्रमणकारियों ने जब गढ़वाल पे आक्रमण किया दोस्तों, तो यह देवी आसपास सभी लोगों को सचेत कर देती थी कि गोरखा आ गए, सुरक्षित जगह पे चले जाओ। और जब गोरखों को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवी माँ को उल्टा कर दिया। दोस्तों जब यहाँ पर बलि पड़ता थी तो कहा जाता था जो श्रद्धा भाव से सच्चे मन से यहाँ पर जाता था उसको उस खून में देवी माँ के पाँव के निशान उस समय तक भी दिखाई देते थे। अभी जो होनी चाहिए अच्छी बात है, अच्छी बात। आज दिखाई देते हैं या नहीं देते ये पूछना पड़ेगा हमें। नमस्कार जी, धीरज ने की थैंक यू भाई, आज मेले में आए हुए हैं और काफी बड़ा मेला लग रहा है माता काली का, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, तो हमें भी काफी अच्छा लग रहा है। तो भाई को सपोर्ट करिए और लाइक करिए, थैंक यू। हेलो, ये देखो मेरे साथ ही आ गए यार, ये देखो हमारे का। तब से लेकर दोस्तों इस देवी माँ के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और लगातार हर साल यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि जब बलि प्रथा बंद हुई थी कुछ साल पहले तो थोड़ा इफेक्ट हुआ था मेला, लेकिन उसका रूप अब देवडोलियों ने ले लिया है तो मेले की भव्यता और भी बढ़ गई है। वो नीचे भी देखा था, सब दिखाएंगे। यहाँ देखो यार भाई जी, पता नहीं कितना टाइम लग रहा है मंदिर पे, वो देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखिए भाई, भीड़ का रेला तो बहुत ज्यादा है, यहाँ धूल भी बहुत ज्यादा है, लाखों भीड़ बहुत ज्यादा है, मंदिर में चढ़ने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा और लाखों लोग, कम से कम 1.5 लाख तक लोग होंगे जो यहाँ आए हैं दर्शन के लिए, लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं। मुझे दिख रहा है ऐसी भीड़ दोस्तों बद्रीनाथ और केदारनाथ भी देखने को नहीं मिलती है जितनी भीड़ यहाँ है, और ये तब है जब लोग यहाँ रुक ही नहीं रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब ये दोस्तों देखिए कितना बुरा हाल है, साथियों थक कर और हार कर हम लाइन से बाहर आ गए और माता जी के दर्शन करने के लिए साइड वाला रास्ता चुना। बुंखाल कालिंका की जय हो। ये रहा दोस्तों वो खपर वो गड्ढा जहां असली देवी माँ विराजमान है। दोस्तों जो महिला वहां बैठी थी वो देवी माँ नहीं है, लेकिन कुल देवी जिस गांव की ये है मुख्य रूप से मलुण की, वहां की जो देवी माँ है वो उन पर अवतरित होती होंगी।
इस खपर के ऊपर दोस्तों कभी भी छत नहीं डाली जाएगी। और इधर ऊपर चल रहे हैं दोस्तों भरतवान जी के गीत। ये हमारे पदम सर स्टेज में जो पहुंच गए हैं, ये भरतवान जी के नज़दीकी हैं। और यहाँ लगा है दोस्तों ब्लॉगर्स का मेला। देखिए शिवानी चौहान पहाड़ी ब्लॉगर और बहुत सारे और लोग भी हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ। और अब भरतवान जी की गीत संध्या समाप्त और हम नीचे की ओर उतरते हैं। बहुत धूल उड़ रहा है दोस्तों, हाईलाइट हो जाएगा। इसके लिए बोलो मैं हाईलाइट के लिए। ये देखिए पदम सर मिल रहे थे प्रीतम भरतवान जी से और अब भीड़ इधर कम होती हुई है दोस्तों, तो हम भी उतरते हैं नीचे की ओर और जाते जाते दर्शन कराते हैं माता के एक बार फिर। और इधर भी अब लाइन में भीड़ थोड़ा कम हो गई है दोस्तों, थोड़ा इधर दुकानों के भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों, क्या क्या लगा है स्टॉलों पर। चारों तरफ लोग बिखरे हुए हैं खेतों में। वास्तव में ये खेत हैं दोस्तों, इस समय परती होंगे तो पता नहीं, लेकिन इनमें गेहूं बोया जाता था हर साल। एक बार फिर से फंस गए हैं दोस्तों भारी भीड़ में, आगे निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। हमने सोचा था कि भीड़ कम हो गई होगी दोस्तों, लेकिन अब समय हो गया है देव डोलियों का मंदिर परिसर में आने का और इसके कारण बहुत मुश्किल हो गया आगे बढ़ना।
आस्था का ऐसा समागम बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों। ये देहरादून से राजराजेश्वर की डोली दोस्तों, और भगवान करे आपको हमको सबको अवसर मिले यहाँ डोली लाने का और हमारी सबकी मन्नतें पूरी हों। ये इज्जर्स की डोली है। अब हमें उतरने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि देव डोलियां आ रही हैं और लगातार आ रही हैं। साथियों, कुछ क्लिपें फास्ट फॉरवर्ड करके डाली हैं क्योंकि आस्था का सैलाब दिखाना बहुत आवश्यक है और वीडियो को छोटा सा छोटा बनाना भी अति आवश्यक है। लोग डोलियों से भी माता रानी का आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत भीड़ है दोस्तों। मैं साइड से दूसरे खेतों से कूदते हुए नीचे गया जबकि साथी लोग रास्ते से आए तो पीछे फंस गए और इस भीड़ में मैं भी कहीं खड़ा हूँ। ये सब पदम सर ने शूट किया और देखिए पोल के पास वहाँ मैं खड़ा हूँ। माता रानी की जय हो, बुंखाल कालिंका माँ की जय हो। हम भीड़ से नीचे उतर आए हैं दोस्तों, अब हमको केवल पैदल नीचे तक जाना है अपनी गाड़ी तक और केवल गाड़ियों की भीड़ से ही गुजरना है। तब तक आप देखिए ये फास्ट फॉरवर्ड और टाइम लैप्स। एक बार दोस्तों जरा ऊपर देखिए, वहाँ देखिए रास्ते में अभी भी भीड़ लगी हुई है। वो टेंट है जहाँ दोस्तों वहाँ माता रानी का स्थान है, वहाँ पर थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं आप इसी प्रकार हमारे वीडियोस देखते रहेंगे और हमारे उत्साह वर्धन करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।